तो दोस्तों बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह पुरुलिया न्यूज सेट सॉन्ग में स्टेटस को देखा है, न्यू स्टाइल का इस तरह स्टेटस अभी बनाना चाहते हो खुद का फोटो लगा के, तो इस वीडियो को पूरा देखे। बहुत सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना, खाली आपको फोटो ऐड करना होगा, हर स्टेटस बन जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अभी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब होता है एक कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन यूज करने वाला हूँ सभी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लिया, तो आप एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क है खाली एक ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा, तो ये सॉन्ग बीट मार्क को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और ये सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट का, कुछ इस तरह देखो मैं इफेक्ट तैयार करके रखा हूँ शुरू में। तो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है ये ग्रुप लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, और देखो उसके बाद यहाँ पर लिरिक्स मतलब लिरिक्स में जो इफेक्ट ऐड करना होगा वो इफेक्ट मैं पहले से तैयार करके रखा हूँ, और स्टार लेयर में देखो कुछ इस तरह इफेक्ट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ग्रुप है ये टोटल 9 ग्रुप है, तो 9 ग्रुप में फ़ोटो ऐड करना होगा, एक ही फ़ोटो को बार बार 9 ग्रुप में 9 बार ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करना है देखो, उसके लिए ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना। एडिट ग्रुप में आने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को रिफ्रेश कर सकते हो, इधर से देखो कलर एंड फिल ऑप्शन में आके यहाँ पर स्टार ऑप्शन को टच कर देना, और इधर से रिफ्रेश भी कर सकते हो, नहीं तो देखो ऐसा करके आप अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। देखो इसको सबसे पहले डिलीट कर देना, क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जो फोटो ऐड करना चाहते हो फोटो को ऐड कर लेना, उसका देखो यहाँ पर जो 3 डॉट यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो लेयर है राउंड रेक्टेंगल उसके हिसाब से ये फोटो लेयर को रख देना है, उसके बाद ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना देखो कुछ इस तरह, और ये फोटो को सबसे पहले कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद बैक हो जाना, बैक हो जाने के बाद ये जो फोटो है सॉरी जो ग्रुप है ये ग्रुप ठीक से देख लेना सही है कि नहीं, तो देखो थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को सबसे पहले डिलीट कर देना, और डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पर जो राउंड रेक्टेंगल है ये राउंड रेक्टेंगल के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट कर लेना ये फोटो को कुछ इस तरह करके। तो देखो सबसे पहले ऐसा करके फ़ोटो को ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा, और ये जो रेक्ट एंगल है उसके नीचे रख देना, उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद दोस्तों एक बार चेक कर लेना फ़ोटो ठीक है कि नहीं, सॉरी ग्रुप ठीक है कि नहीं, तो ग्रुप देखो ख़राब हो गया तो लास्ट में आ जाना, लास्ट बीट में ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आके यहाँ पर जो फोटो है फोटो को डिलीट कर देना, और जो फोटो कॉपी करके रखे हैं फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये जो बिट है ये बिट के हिसाब से कट कर लेना, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना है, और ये रेक्टेंगल के नीचे कर देना, उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना, फिर से ये ग्रुप को ठीक कर लेना। तो उसके लिए बिट में जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं देखा वैसे करके आप लोग यहाँ पर 9 ग्रुप में फ़ोटो को ऐड कर लेना, उसके बाद देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल में कुछ इस तरह इफेक्ट है मतलब शेप में। तो अब क्या करना होगा देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है जो फोटो ऐड करना चाहते हो फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये ग्रुप में जो फोटो ऐड करोगे वही फोटो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। तो देखो मैं वही फ़ोटो ऐड करने वाला हूँ, तो क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेना कुछ इस तरह करके। उसके बाद लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, उसके बाद ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, ये जो
स्टार है उसके नीचे एक रख देना, उसके बाद और एक कॉपी डुप्लीकेट कर लेना कुछ इस तरह करके। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो ग्रुप सॉरी यहाँ पर जो स्टार है और ये जो फोटो है ये फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मिडिल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके एक ग्रुप बना लेना, तो एक ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट ऐड करना होगा। बैकग्राउंड में देखो यहाँ पर ग्रुप के बाहर जो फोटो है ये फोटो में, तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, ऐड इफेक्ट में आ जाना, ब्लर ऑप्शन में कि यहाँ पर जो गोस्टिंग ब्लर है यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो इसका जो साइज वगैरह जो कुछ है आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पर जो देखो स्टार है ये लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आना और जो ऐड बॉर्डर है यहाँ पर टच करके इसका जो साइज है आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, तो मैं 22 रखने वाला हूँ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो शैडो है शैडो को ऑन कर देना कुछ इस तरह देख सकते हो, तो ऐसा कर लेना। और ऐसा करने के बाद दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में एक ऐसा करके एक वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। और एक तरीका है मतलब अलग इफेक्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हो वीडियो को, तो कैसे करोगे देखो, यहाँ पर जो फोटो ये फोटो लेयर को टच करके ये इफेक्ट को बंद कर देना, उसके बाद एड इफेक्ट में आ जाना और यहाँ पर जो कलर एंड लाइट है यहाँ पर आके देखो यहाँ पर जो सेचुरेशन है वो इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेना, उसके बाद यहाँ पर जो सेचुरेशन है वो माइनस कर देना कुछ इस तरह। तो देख सकते हो कुछ इस तरह इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, देखो कुछ इस तरह। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाना और यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आना होगा, प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, ये वाला रेक्टेंगल को ऐड करके यहाँ पर जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा और फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। कलर एंड फिल ऑप्शन में ना ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है और जो ब्लैक डॉट है उसको नीचे कर लेना कुछ इस तरह करके एडिट करना होगा, देखो कुछ इस तरह करके एडिट कर लेना। और ऐसे करने के बाद यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना कुछ इस तरह करके, देखो ऐसे कर लेना। उसके बाद लास्ट में आना है और एक बार बैक करना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर लेना, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा। और ये जो लिरिक्स है लिरिक्स को ऊपर रखना होगा ये ब्लैक सोडे के ऊपर कुछ इस तरह देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो मैं प्ले से ऐड करके रखा हूँ, तो सेकंड लिरिक्स ऐड करने के लिए ये इफेक्ट को कॉपी कर लेना, मतलब लेयर को, ये लेयर को कॉपी कर लेना और अगला जो बीट है अगला बीट में आके यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना। ये जो बीट है ये बीट में आ जाना और ये लेयर को कुछ इस तरह करके ऐड कर लेना, ये सभी बीट में देखो कुछ इस तरह करके। तो देखो यहाँ पर जो लेयर है ये लेयर ये बीट तक आया नहीं, तो ये बीट में आ जाना, इस टाइमर ऑप्शन को टच करके जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो ऐसा करके आप लोग एकदम एंड तक ये लिरिक्स लेयर को ऐड कर लेना और लिरिक्स लेयर ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स है वो ऐड करेंगे, तो आप लोग सॉन्ग को पहले करके सुन लेना। उसके बाद ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, इसको सबसे पहले हटा देना ये लिरिक्स को। उसके बाद नोटपैड ऐप में आ जाना, जो लिरिक्स है टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को, उधर से कॉपी करके देखो नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना और फर्स्ट जो लाइन है सॉरी सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद एलाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग यहाँ पर जो लिरिक्स है वो ऐड कर लेना और लिरिक्स ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये वाला जो पिंज बॉर्डर है ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। उसके बाद लास्ट में ना ये जो ऑप्शन है पर टच करना है। तो दोस्तों जैसे मैं देखा है ऐसे करके आप लोग ये स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।